बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया, बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही है। शादी के बाद प्यार रहता या नहीं रहता कोई गारंटी नहीं है। हमारे एक मित्र चमनलाल, उनकी पत्नी को रहता है बस इसी बात का मलाल कि जब भी वो किसी कार्यक्रम या समारोह में जाते हैं तो पत्नी को साथ नहीं लेकर जाते हैं। अच्छा, इसकी पूछी वजह तो बोले दिमाग मत चाटो सुबह सुबह, अरे आप ही हमारी पत्नी को समझाइए, दिल्ली में कानून बना है, 15 साल पुराने वाहन सड़कों पर मत लाइए। जाती है प्यार के बाद। कोई एक आदमी ने भगवान से कहा, भगवान आप एक आशीर्वाद दे दो, मेरी मेमोरी डिलीट कर दो। तो भगवान ने उस आदमी की सारी मेमोरी डिलीट कर दी। फिर इससे पूछा भगवान ने, बेटा अब भी कुछ याद है क्या? वो बोला, साहब केवल बीवी का नाम याद है। तो भगवान बोले, यार पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया लेकिन वायरस फिर भी नहीं गया। मैंने शोध किया और शोध करके एक ऐसा विभाग ढूंढ के निकाला जिसमें दावे के साथ कह सकता हूं आपने कभी किसी महिला को काम करते नहीं देखा होगा। उसमें तकनीकी समस्या है, उसमें कभी कोई महिला काम कर ही नहीं सकती। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग, फायर ब्रिगेड, क्योंकि महिलाओं का काम आग बुझाना नहीं है। ये सिर्फ वे लोग तालियां बजा रहे हैं जिनके घर में लगी हुई है। नहीं, अगली का एक सूत्री कार्यक्रम होता है, आंख खुलते ही सामने वाले को ऐसी टेंशन दे दो अगला दिन भर घुट घुट के जिए। तकिए पर ही बता देंगी, आज पप्पू की फीस जमा करानी है, आज फोन का बिल जमा कराना है, आज राशन खरीद के लाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो एक दिन मैंने कहा, मतलब मैं तेरी रोज रोज की फरमाइशों से दुखी आ गया हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगली तब भी नहीं चूकी, बोली एक सफेद साड़ी तो दिला जाओ, 13वीं पे क्या पहनूंगी। दो आदमियों में झगड़ा हो गया तो एक ने कहा, ऐसा मुक्का मारूंगा मैं तेरे 32 दांत निकाल लूंगा। दूसरा बोला, मैं ऐसा मारूंगा 64 निकाल लूंगा। एक ऐसा बैठा था, तीसरा बोले, यार गिनती सही कर, दांत 32 होते तू 64 निकाल कहां से लेगा। वो बोला, मुझे पता थी तू बीच में बोलेगा। भीख में दिया हुआ 1 रुपए का सिक्का भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया। 1 रुपए का सिक्का जब भिखारी ने मुझे वापस लौटा दिया तो मैंने कहा, जनाब मेरा एक उसूल है, मैं किसी भी भिखारी को 1 रुपए से ज्यादा भीख में नहीं देता। भिखारी बोला, हुजूर मेरा भी एक उसूल है, मैं किसी भिखारी से भीख नहीं लेता। एक दिन मुझे कह रही थी कि तुम कल रात को मुझको सपनों में गालियां दे रहे थे। अच्छा, मैंने कहा नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है। बोले कैसे गलत फहमी है, और भी लोगों ने सुना। मैंने कहा मैं जानता हूं, मैं कह रहा हूं कि गलत फहमी है क्योंकि मैं उस समय सो नहीं रहा था। वो एक आदमी तो एक नाई की दुकान पे गया, नाई की दुकान पे जाके बोला, कितनी देर लगेगी? नाई बोला, जी अभी तो 3 घंटे और लगेंगे। दूसरे दिन वो फिर दुकान पे गया, फिर बोला, कितनी देर लगेगी? नाई बोला, जी 2 घंटे लगेंगे। वो रोज जाता उसकी दुकान पे। तो एक दिन नाई ने नौकर से पूछा, यार ये आदमी रोज आता है, न तो शेविंग करवाता है न कटिंग करवाता है, केवल टाइम पूछ के चला जाता है, इसके पीछे जा, आखिर ये जाता कहाँ है? तो नौकर पीछे गया, आधे घंटे बाद वापिस आया। वापिस आते ही मालिक ने उससे पूछा, रे नौकर बताओ आदमी कहाँ जाता है? तो नाई बोला, वो नौकर बोला, साहब टाइम पूछ के आपके ही घर पे जाता है।